Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट किए जाने वाले अल्ट्रालाइट हाविट्जर गन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं M777 के बारे में, जो कि एक अल्ट्रालाइट हाविट्जर गन है और जिसकी तकरीबन 145 यूनिट खरीदने के लिए इंडियन आर्मी ने BAE सिस्टम से करार किया था मेक इन इंडिया के अंतर्गत। और इस डील के अंतर्गत तकरीबन 145 M777 हाविट्जर गन्स इंडियन आर्मी को डिलीवर होने थे। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये गन्स 2019 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर से पहले इंडियन आर्मी को दे दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे आर्मी ने ऐसी आशाएं जताई हैं कि M777 लाइट हेवी हाविट्जर, जिसे 145 के यूनिट में ऑर्डर किया गया था, उसके तकरीबन 25 यूनिट फ्लाईओवर कंडीशन में US से आएगा। अब बाकी के जो यूनिट होंगे उसे इंडिया में ही असेंबल और इंटीग्रेट किया जाएगा। और इंडिया में BAE सिस्टम का जो पार्टनर है महिंद्रा ग्रुप, वो इसकी असेंबली करने जा रहा है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये डील तकरीबन $750 मिलियन की आंकी गई थी। मैं आपको बता दूं, M777 लाइट वेट हाविट्जर एक 155mm 39 कैलिबर का टोड आर्टिलरी गन है, जिसकी रेंज तकरीबन 25 किलोमीटर है, वो भी इसके अनअसिस्टेड मैक्सिमम रेंज में। वहीं जब आप इसको असिस्टेड मैक्सिमम रेंज के लिए काउंट करते हो तो इसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास है। और BAE सिस्टम का मानना यह है कि ये गन 2 मिनट में 5 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। और अब जब इंडिया को चिन्यूक हेलीकॉप्टर मिल चुका है, जो कि इन लाइटवेट हाविट्जर गन्स को M777 को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब किसी माउंटेनियस एरिया में एयरलिफ्ट करने में सक्षम है, जो कि इंडियन आर्मी की क्षमता को और भी बढ़ाने वाला है कि अब इंडियन आर्मी किसी भी माउंटेनियस एरिया में गन्स और आर्टिलरी फायर करने में सक्षम होगी। इस बारे में बात करते हुए BAE सिस्टम के इंडियन चेयरपर्सन ने यह बताया कि हम HAL को ऑलरेडी 123 हॉक ट्रेनर डिलीवर कर चुके हैं, और इस मामले में, डिलीवरी के मामले में, हम अक्सर टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में चिनूक के इंडक्शन के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के मामले में अब रशिया को छोड़ के US की तरफ जाने लगी है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मंडे को IAF ने तकरीबन 4 चिनूक इंडियन एयरफोर्स के फीदरबेट स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया है। और ये डील तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की डील थी, जिसके अंतर्गत 15 चिनूक हेलीकॉप्टर IAF को डिलीवर किए जाने हैं और ये इस ईयर के एंड तक IAF को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपको बता दूं, चिनूक हेलीकॉप्टर एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि मल्टी मिशन मल्टी टास्किंग के लिए यूज किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स द्वारा सदियों से यूज किए जा रहे रशियन MI-26 को रिप्लेस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, रशियन MI-26 वैसे तो चिनूक से ज़्यादा लिफ्टिंग करने में कैपेबल था, लेकिन उसके जो ब्लेड्स हैं वो चिनूक के ब्लेड से बड़े थे, इसलिए कॉम्पैक्ट एरियाज में वो पहुंच नहीं पाता था। और वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से IAF ने रशियन MI-26 का अपग्रेड वर्जन रशिया से नहीं खरीदा, जबकि वो भी इस कंपटीशन में था। जैसे कि रशियन MI-26 के नए वर्जन में जो इंजन है उसको बनाया जा रहा है फ्रांस की हेल्प से, और MI-26 का जो फ्यूल कंजम्पशन था वो कहीं ना कहीं चिनूक से ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ रीजन थे जिसकी वजह से IAF ने चिनूक को MI-26 के ऊपर चुना। अगर बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर की, तो वहाँ पे भी AS-64E अपाच हेलीकॉप्टर सदियों से ऑपरेट किए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा, MI-35 को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी US ने इस क्षेत्र में रशिया को पछाड़ा है। और बात करते हैं नेवी के लिए, तो नेवी के लिए भी इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं सदियों से COMOV-28 और COMOV-31 दोनों को रिप्लेस करने जा रहा है हाल ही में किए गए डील, जो कि US की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ थी। और ये डील थी सिकोर्सकी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंडक्ट करने की, और ये डील अक्टूबर तक फाइनलाइज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन तीनों जगह और इन तीनों की हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट्स को अब US आगे आके पूरा कर रहा है। पहले ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रशिया के पास जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर परचेज एंड सेल के मामले में US ने रशिया को पीछे छोड़ा है इंडियन मार्केट में। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। तो आज के तीसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं, जो कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया का एक अपना ही एंटी सैटेलाइट मिशन है। और इस एंटी सैटेलाइट मिशन का अनाउंसमेंट उन्होंने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान की है, और इसका कोड नेम शक्ति है। और इस एंटी सैटेलाइट मिशन को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर ANI की तरफ से आ रही है, जहाँ पे ANI को एक बयान में प्रधानमंत्री ने बताया है कि इंडिया ने अपना एंटी सैटेलाइट
मिशन सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। आपको बता दूं ये एंटी सैटेलाइट वेपन्स या फिर एसैट स्पेस वेपन होते हैं जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया होता है दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा ही देश हैं जिनके पास ये स्पेस वेपन है, जिसमें से यूएस, रशिया और हाल ही में 2018 में चाइना ने भी अपना इसमें टेस्ट किया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने भी इसको टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली। आपको बता दूं इंडिया ने ये मिशन तकरीबन 2010 में स्टार्ट किया था, जो कि किसी भी एक्जो एटमोस्फेरिक टारगेट को किल करने के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत इन सैटेलाइट्स पे मिसाइल डिप्लॉय की जाएंगी जो कि दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट या फिर जैसे एमीसैट जैसे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज की चौथी डिफेंस न्यूज विंग कमांडर अभिनंदन को लेके है। तो जी हाँ दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन हाल के ही कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और MiG-21 से इजेक्शन के बाद उनकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं बताई जा रही थी, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन कम्प्लीटली दुरुस्त हो चुके हैं और अपने स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने वाले हैं श्रीनगर में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही थी पाकिस्तान मीडिया में कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही पायलट को डिसग्रेस किया है, उनको ज़बरदस्ती ड्यूटी से हटा दिया गया है एक फिजिकल फिटनेस का बहाना लेके। अब ये खबरें कम्प्लीटली पाकिस्तान मीडिया के मुँह पे एक तमाचा है कि इंडियन एयरफोर्स ने विंग कमांडर अभिनंदन को ये अनुमति दे दी है कि वो अब ज्वाइन कर सकते हैं श्रीनगर में अपने स्क्वाड्रन को। तो आज के मुख्य डिफेंस न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।